पाटन में सीएससी पर वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन करा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा टीकाकरण अभियान को लेकर दिए गए आदेशों के चलते मथुरा जनपद के गोवर्धन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मथुरा जनपद के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल के द्वारा चिन्हित कर पहले चरण में 18 प्लस के कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई, जहां पर टीका लगवाने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखी गई, जिनमें 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के लोगों को पहला टीकाकरण और 45 वर्ष के ऊपर के लोगों का दूसरा टीकाकरण का कार्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोवर्धन के अधीक्षक बीएस सिसोदिया की निगरानी में हुआ। टीकाकरण में भाग लेने वाले लोगों के द्वारा बताया गया कि ये अभियान देश हित में बहुत जरूरी है, इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ने का सही इलाज है। इसके बारे में गोवर्धन की रहने वाली नेहा के द्वारा लोगों से टीकाकरण अभियान में भाग लेने की अपील की गई और देश हित में अपनी सहभागिता निभाने का भी अनुरोध किया। डीडी शर्मा, मथुरा, समाचार 24। मैं धीरज कौशिक। आज जिस प्रकार से स्वास्थ्य केंद्र पर अभियान चल रहा है, तुम्हारा क्या कुछ कहना चाहोगे? टीकाकरण बहुत अच्छी चल रहा है, भारत सरकार द्वारा देश हित में कार्य किया जा रहा है, जनहित में कार्य किया जा रहा है। मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि सभी को टीकाकरण में हिस्सा लेके ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण कराना चाहिए, ताकि इस महामारी से हम लोग लड़ सकें और ये देश फिर से आगे बढ़े। यही संदेश देना चाहूंगा। थोड़ा हमारी खोल लो। जी, मेरा नाम शोभा है। आपने वैक्सीन लगवाई है 18 प्लस में, कैसा महसूस कर रही हैं? क्या कुछ लोगों से कर रहे हैं? मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ, लग रहा है कि सेफ रहूंगी, कोरोना से कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहूंगी? सभी को लगवानी चाहिए, गवर्नमेंट अवेलेबल कर रही है तो सभी को उसका लाभ लेना चाहिए, सभी को वैक्सीन लेनी चाहिए। नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं आप? अच्छा, आज 80 प्लस टीकाकरण का अभियान चल रहा है, क्या कुछ कहेंगी इसके बारे में? बहुत ही अच्छी व्यवस्था है आपकी, आपके नंबर आ गया, ना वेट करना पड़ा ना कुछ, और बहुत ही अच्छे से लोगों को डील कर रहे हैं, दूरी का सोशल डिस्टेंसिंग सब कुछ फॉलो किया जा रहा है। अच्छा, आपने टीका लगवाया, कैसा फील हो रहा है और क्या कुछ लोगों को संदेश देना चाहोगे? टीका लगवाया, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ने भी अभी एक हफ्ते पहले लगवाया था, पैरासिटामोल लिया, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। अच्छा, इसके बारे में कोई कुछ कहना चाहती हैं, अपील करना चाहती हैं लोगों से? बाकी लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बाकी लोगों से यही कहना चाहेंगे कि प्लीज अपने आप को वैक्सीनेटेड कराइए, खुद को, देश को बचाइए इस महामारी से। डॉक्टर साहब बताएं, आज टीकाकरण का अभियान चल रहा है, क्या कुछ विषय है, कितने इसके लोगों को टीकाकरण किया जाए? आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे 18 वर्ष से अधिक लोगों का 18 से 44 वर्ष तक के सभी को कोविड टीकाकरण लगाया जा रहा है, कोविड का कोविशील्ड इंजेक्शन लगाया जा रहा है। मैं इसके लिए सर्वप्रथम माननीय जिला अधिकारी मथुरा, CMO मथुरा और हमारे जिला प्रतिरक्षण अधिकारी मथुरा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो गोवर्धन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को इन्होंने चयनित करा और यहाँ पे सभी गोवर्धन क्षेत्रवासियों को इस टीके के लिए जागरूक करके सभी को हमने टीकाकरण लगा दिया। आज हमारे 100 टीके लगने थे, वो ऑलरेडी 24 घंटे पहले बुक हो गए हैं और यही स्थिति अगली 15 तारीख तक है, प्रत्येक दिवस में 100 टीके लगने कोविशील्ड के 18 से 24 साल की एज ग्रुप के, और उससे 45 से अधिक एज ग्रुप के भी टीके लग रहे हैं, जिसका भी बूथ हमने लगा रखा है। दोनों ही ग्रुपों में हमारा टीकाकरण अधिक हो रहा है, उसके लिए मैं गोवर्धन क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और ये अपील करूँगा कि अधिक से अधिक अपना टीकाकरण करवाएं, मास्क का उपयोग करें और साफ सफाई रखें और 6 गज की दूरी बातचीत में हमेशा बनाए रखें। सर, कुछ मैसेज की दिक्कत सामने आ रही है, क्या कुछ कहेंगे जी? कुछ मैसेज वाले